नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर पंकज आनंद, सीनियर कंसल्टेंट फोर्टिस हॉस्पिटल जयपुर। देखिए, जब से कोविड आया है, हमारे आम जनों की भाषा में कई नए मेडिकल शब्द जुड़े हैं। उनमें से एक शब्द है एंटीबॉडीज, और अखबारों में, मीडिया में आप बार बार इस शब्द को सुनते हैं। शायद हमारे साइंस के ग्रेजुएट्स हैं वो शायद जानते भी हों, लेकिन आम जनता में एक क्यूरियोसिटी है कि ये एंटीबॉडी क्या चीज़ होती है, ये एंटीबॉडीज़ कैसे बनते हैं, वैक्सीन कैसे एंटीबॉडीज बनाता है। तो मैं आपको थोड़ा सा प्रयास करता हूँ लाइट डालने की एंटीबॉडीज़ पे। देखिए, एंटीबॉडी एक तरह का प्रोटेक्टिव या सुरक्षात्मक प्रोटीन है जो हमारा शरीर बनाता है किसी भी बाह्य वस्तु के खिलाफ। तो वह वस्तु जिसको हम आम भाषा में, हमारी मेडिकल भाषा में एंटीजन भी बोलते हैं, ये एक वायरस हो सकता है जैसे कोविड वायरस, या बैक्टीरिया हो सकता है, या कोई भी और चीज, कोई जहर, कुछ भी हो सकता है। तो ये जब हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो हमारे शरीर में, शरीर ये उसके जो बाहरी सतह है उस पे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको देखता है और वो रिकॉग्नाइज करता है कि ये तो कोई फॉरेन बॉडी है, कोई फॉरेन सब्सटेंस है, तो वो तुरंत कुछ उनके खिलाफ, आम भाषा में बोलूं तो सैनिक पैदा करने की कोशिश करता है, जिनको हम लोग एंटीबॉडीज बोलते हैं। अब ये एंटीबॉडी बनते कैसे हैं? देखिए, जैसे ही कोई फॉरेन बॉडी या फॉरेन सब्सटेंस मेरे शरीर में प्रवेश करेगी तो कुछ विशिष्ट कोशिकाएं होती हैं, कुछ विशिष्ट प्रकार के WBC या सफेद रक्त कोशिकाएं होती हैं, जिनको हम लोग बीटा सेल्स या बीटा लिम्फोसाइट्स कहते हैं। और ये लिम्फोसाइट्स उस पर्टिकुलर सब्सटेंस, उस पर्टिकुलर एंटीजन से जाके जुड़ जाते हैं। इस जुड़ाव के बाद इन बीटा सेल्स में कुछ परिवर्तन होते हैं, वो एक तरह से परिपक्व होते हैं, परिपक्व होके मैच्योर लिम्फोसाइट्स बन जाते हैं, जिनको हमारी भाषा में हम लोग प्लाज्मा सेल भी कहते हैं। और इन प्लाज्मा सेल्स में ये क्षमता होती है कि ये एक बार में लाखों सुरक्षात्मक प्रोटीन या एंटीबॉडी बना ले। अब एंटीबॉडी करता क्या है? एंटीबॉडी इस पर्टिकुलर एंटीजन या फॉरेन सब्सटेंस, जैसे कि कोविड वायरस या बैक्टीरिया या पॉइजन, उससे जाके जुड़ जाएगा और जुड़ के अलग अलग तरीके से उसको नष्ट करने का प्रयास करेगा, नष्ट कर देगा। तरीके बहुत सारे हो सकते हैं। कई बार ये कुछ पॉइजन रिलीज करता है उस वायरस या बैक्टीरिया के खिलाफ, कई बार उसका हमारे शरीर में प्रवेश ही रोक देता है। तो वो अलग अलग मैकेनिज्म हैं। अब ये प्रश्न उठता है कि ये सब तो ठीक है, अब एंटीबॉडी शरीर में वैक्सीन से कैसे बनता है? क्योंकि आप देखिए, चारों तरफ यही बार बार बात की जा रही है कि सब वैक्सीनेट करा लीजिए, इससे हमारे शरीर में एंटीबॉडीज बन जाएगी। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि वैक्सीन किस तरीके से काम करता है। अब आप जानते हैं अलग अलग तरह के वैक्सीन हैं। हिंदुस्तान की बात करते हैं, अपन हिंदुस्तानी हैं, तो दो वैक्सीन बहुत कॉमन है, एक तो कोविशील्ड जो कि एस्ट्राजेनेका वैक्सीन भी बोलते हैं जिसको, और एक है अपना कोवैक्सीन जो भारत बायोटेक का, हमारा अपना देश का वैक्सीन है। तो आप अगर कोविशील्ड को देखेंगे तो कोविशील्ड में क्या ये गया है कि जो चिंपांजी होता है उसमें जो वायरस जुकाम करता है, तो वो मनुष्यों में जुकाम नहीं करेगा, वो चिंपांजी में जुकाम करता है। उसके सरफेस पे, उसकी बाहरी सतह पे कुछ प्रोटीन्स लगा दिए जाते हैं, इनको एस प्रोटीन बोला जाता है। और ये एस प्रोटीन जो है ये बिल्कुल वैसे ही होते हैं जैसे कोविड वायरस में होते हैं। तो जब ये एस प्रोटीन लगा हुआ चिंपांजी वायरस मेरे शरीर में प्रवेश करता है तो मेरे शरीर में इस वायरस के चारों तरफ जो एस प्रोटीन है उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनती है, और ये एंटीबॉडी मेरे बॉडी में स्टोर हो जाती है। तो जब एक्चुअल कोविड या कोरोना वायरस का हमला होता है तो मेरे शरीर में पहले से उपलब्ध एंटीबॉडीज जो खास तौर पर एस प्रोटीन के अगेंस्ट बने हैं वो जाके इस एस प्रोटीन पे जुड़ जाते हैं। एस प्रोटीन का काम क्या है वायरस में? एस प्रोटीन मेरे शरीर में वायरस को एक तरह से
जुड़ने में मदद करता है, जिसको एंकरिंग बोलते हैं। तो जो हमारे गले में या अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में कुछ ACE2 रिसेप्टर होते हैं, उन पे आके ये एस प्रोटीन लगता है। अब ये एस प्रोटीन से ये वायरस मेरे शरीर की कोशिकाओं में जुड़ेगा, लेकिन चूंकि एंटीबॉडीज पहले थे और पहले से उपलब्ध थे, क्यों उपलब्ध थे, क्योंकि वैक्सीन लगी थी, तो ये एंटीबॉडीज ये पहले ही जाके एस प्रोटीन को रोक देते हैं और इस वायरस को मेरे शरीर में प्रवेश करने से रोकते हैं। ये तो कहानी रही कोविशील्ड की। कोवैक्सीन वो क्या करता है, कोवैक्सीन कुछ नहीं है, मरे हुए कोरोना वायरस हैं। तो जब ये मरा हुआ कोरोना वायरस मेरे शरीर में जाएगा तो उसका प्रोटीन तो रहेगा, भले वो जिंदा है मरेगा, इस प्रोटीन के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनती है। तो जब ये एक्चुअल वायरस आता है तो एंटीबॉडी पहले से है, यानी ऐसे मान लीजिए कि जैसे सेना में मॉक ड्रिल होती है कि बाहरी सैनिकों के अगेंस्ट हमारे सैनिकों को ट्रेनिंग दी जाती है, तो एक्चुअली जब एक्चुअल सैनिक आते हैं तो मेरे बॉडी में सैनिक जो स्पेशली खास तौर पे प्रशिक्षित हैं इस पर्टिकुलर दुश्मन के खिलाफ, वो उपलब्ध हैं और तुरंत जाके उसको निष्क्रिय कर देते हैं। अब ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि एंटीबॉडीज एक्चुअली कितने दिन तक हमारे पास उपलब्ध रहते हैं। देखिए ऐसा कहा गया है कि लगभग 3 से 3.5 महीने तक तो उपलब्ध रहते हैं। हम अभी लर्निंग कर्व में हैं, हमें अभी 100% पता नहीं कितने दिन रहते हैं, लेकिन एवरेज 3 से 3.5 महीने एंटीबॉडीज रहते हैं। ये बनते कब हैं, दूसरा वैक्सीन लगने के करीब 15 दिन बाद ही ये पूरी तरह बनते हैं। इसी पे सारा विज्ञान वैक्सीन का बना है कि आप दूसरी डोज के 15 दिन बाद ही अपने आप को कुछ हद तक सिक्योर समझिए। तो मित्रों मेरा कहना यह है इस सारी वीडियो का कि ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आप वैक्सीन लें ताकि आपके शरीर में एंटीबॉडीज बने और जब कोविड अगर भगवान ना करे हमला करे तो आप इसके लिए तैयार रहें। धन्यवाद।